नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा प्रोग्राम है जंगली मशरूम ढूंढने का, जिसे कहते हैं गुच्छी और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोरेल मशरूम। और ये दोस्तों होती है हिमालय क्षेत्र में, ये दोस्तों नमी वाली जगह पर होती है, जैसे इस तरह की नमी है। और पहाड़ी में इसे कहा जाता है डुंगड़ू। दोस्तों, डुंगड़ू का मतलब जो सूखे पेड़ का बचा हुआ ठूंठ, चाहे वो घास का हो या पौधे का, उसे कहा जाता है डुंगड़ा। और उसके नज़दीक जब वो सड़ता है दोस्तों, तब लग जाती है फंगस, और फंगस से ही बनती है गुच्छी। हिमालय क्षेत्र में जब दोस्तों बर्फ़ गलती है, उसके बाद जब आसमान में बिजली चमकती है अप्रैल के महीने के आसपास, तो गुच्छी बनना शुरू होती है। और दोस्तों, इस गुच्छी की ये खासियत है कि इसे अभी तक किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका है। ये प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है दो गुच्छियाँ, और ये इस तरह के मशरूम होते हैं। इसका रेट दोस्तों रहता है 10,000 से 30,000 के बीच में। अगर आप 5-स्टार होटल में इसकी डिश खाएंगे, तो हो सकता है कि ये दो गुच्छियाँ एक प्लेट में हो और उसकी कीमत लगभग 1,000 के आसपास हो। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है दोस्तों। और ये है दोस्तों बनस का, इसका भी जुकाम बुखार में यूज होता है। गुच्छियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलती। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये गुच्छी है। दोस्तों, इन गुच्छियों को ढूंढने के लिए काफ़ी तेज़ नज़रें होनी चाहिए। और यहाँ पर भी ये दो गुच्छियाँ उगी है दोस्तों। हम इनको भी निकाल लेते हैं। और ये समय बहुत सारी गुच्छियाँ हमने इकट्ठी कर ली है। दोस्तों, ये गुच्छिया वैसे तो जंगल में होती है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अपने खेतों में। जंगल में काफ़ी सारा कंपटीशन होता है, जिस कारण से बहुत सारे लोग इन गुच्छियों को ढूंढते रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से घास के बीच में ये गुच्छियाँ होती है। और इस तरह से ये ढूंढी जाती है दोस्तों। और ये है दोस्तों देवदार का पेड़, इसके नीचे भी हमें एक गुच्छी मिली है। तो दोस्तों, इन गुच्छियों को इकट्ठा करके सुखाया जाता है, उसके बाद जब इनको खाना होता है दोस्तों, इनको मिला दिया जाता है गर्म पानी में, उसके बाद ये नरम हो जाती है। और इसके बाद इनकी बनाई जाती है सब्ज़ी, और ये इसकी काफ़ी महंगी सब्ज़ी होती है दोस्तों। हिमालय क्षेत्र में ये अप्रैल के आसपास से ये गुच्छियाँ उगती है। और इसकी तुलना दोस्तों जो कश्मीर का केसर है और दार्जिलिंग की जो प्रीमियम चाय है, उससे इन गुच्छियों की सब्ज़ी की तुलना की जाती है। और हो सकता है कई बार दोस्तों, जैसे हम इनको ढूंढते रहते हैं, तो कई दिन सारा दिन भटकने के बाद भी हमें एक गुच्छी नहीं मिलती। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लगातार ही ये गुच्छियाँ मिल जाती है। अमूमन ये दोस्तों तभी
उगती है जब आसमान में बादल छा रहे होते हैं और उसके बाद जब बिजली कड़कने की आवाज़ होती है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, उसके बाद ये फंगस से ये गुच्छियाँ हो जाती है तैयार। और इसको दोस्तों लैब में नहीं बनाया जा सकता जैसे मशरूम को लैब में बनाया जाता है। और अब हम कर देते हैं इन गुच्छियों को दोस्तों लिफाफे में पैक और चलते हैं घर की ओर।